आप सभी को पता होगा कि इससे पहले सैमसंग की एक और सीरीज लॉन्च हुई थी जिसका नाम था सैमसंग A52 एंड सैमसंग A72, जिसमें से सैमसंग A52 एंड सैमसंग A72 को बहुत ही अच्छा सक्सेसर मिला था। एंड जी को देखते देखते एंड जब BGMI लॉन्च हो गया है तो सैमसंग ने एक और गेम के लिए फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमसंग A52S, जो इसी सीरीज का फ़ोन है। इसमें आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे एंड अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। एंड क्या कुछ आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इनके कुछ लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, तो इसमें आपको डिस्प्ले पर देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल सकता है। एंड नीचे आपको सिम टूल किट देखने को मिलेगी एंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद बात की जाए इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि है इसका कैमरा, क्योंकि ये प्रोसेसर के साथ साथ अच्छा कैमरे के साथ लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 5 मेगापिक्सल का डेली मैक्रो कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत तगड़ा सेगमेंट है, क्योंकि आजकल की कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा चिपका देती हैं। एंड इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो इसमें आपको 4K या 8K वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो कि इसे 30 से 60 FPS तक हो सकती है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है एंड फ्रंट कैमरा में भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद बात की जाए इसके प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में एक ठीक ठाक गेमिंग देने वाला है। एंड इसके बाद बात की जाए इसके अंतु स्कोर के बारे में, तो इसमें आपको अंतु स्कोर देखने को मिलेगा 327172। एंड अब बात की जाए इसके CPU के बारे में, तो इसमें आपको 2.2 GHz के साथ देखने को मिलेगा, आर्किटेक्चर आपको 64 बिट देखने को मिलने वाला है। एंड आप समझ सकते हैं प्रोसेसर इसका ठीक ठाक होने वाला है। एंड अब बात की जाए इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जिसका रिफ्रेश रेट होगा 90 से 120 Hz रिफ्रेश रेट। एंड अब बात की जाए इसके ब्राइटनेस के बारे में, तो कम से कम इसमें आपको 1100 से 1300 निट्स तक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है, मतलब डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन अच्छा होने वाला है। एंड अब बात की जाए इसके बैटरी सेटअप एंड चार्ज सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 4500 mAh बैटरी के साथ एक 33 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4500 वाट के साथ 33 वाट का फास्ट चार्ज कॉम्बिनेशन सही है। वैसे 33 वाट के जगह कम से कम 50 से 65 वाट चार्ज देते तो और अच्छा देते हैं। बात किया बैटरी स्टैंड के बारे में, तो ये बताया कि ये 1 मीटर तक 30 मिनट तक रह सकता है, जो कि एक बहुत ही तगड़ी बात है। इसे आप बरसात या कहीं भी ले जा सकते हैं बिना चूक के साथ। एंड अब बात की जाए इसके एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस वही प्राइस रहने वाले हैं, जो कि होंगे इसके 25 से 28 हज़ार के बीच में। एंड अब बात की जाए इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो इसकी लॉन्च डेट रहने वाली है सितंबर के लास्ट में। एंड सो फाइनली गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।